दोस्तों, इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम सा छाया हुआ है। जहां कुछ दिनों पहले टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं के फेमस एक्टर दीपेश भान ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा, तो वहीं अब इस शो से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं फेम एक्टर जीतू गुप्ता के बेटे का निधन हो गया है। जीतू गुप्ता के बेटे का नाम आयुष था और वो महज 19 साल के थे। उनके निधन से जीतू गुप्ता का परिवार खुद को संभाल नहीं पा रहा है और एक्टर भी अपने बेटे को खोने के सदमे में है। कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया के जरिए आयुष के निधन की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जीतू गुप्ता के बेटे को याद भी किया। सुनील पाल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट रीशेयर करते हुए आयुष के निधन का दुखद समाचार दिया। इसके साथ ही उन्होंने भावुक कर देने वाले कुछ शब्द लिखे। कॉमेडियन ने आयुष को याद करते हुए इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, रेस्ट इन पीस भाभी जी घर पर हैं के एक्टर मेरे भाई जीतू के सुपुत्र आयुष नहीं रहे। सुनील पाल ने अपने कैप्शन में बहुत सारी रोने वाली इमोजी भी बनाई। इस बात से साफ पता चलता है कि उन्हें अपने दोस्त के बेटे के निधन का काफी झटका लगा है। बता दें कि आयुष गुप्ता काफी समय से हॉस्पिटल में एडमिट थे और इस बात की जानकारी उनके पिता और अभिनेता जीतू गुप्ता ने खुद सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गई थी। इस तस्वीर को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयुष गुप्ता की हालत गंभीर थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, बेटे आयुष के बारे में पढ़ने के बाद आप सब लगातार फोन करके उसका हाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर सिर्फ यही अनुरोध करता हूं कि अपना आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना करें। मैं इस समय बिल्कुल भी बात करने की स्थिति में नहीं हूं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने बेटे को खोने के सदमे में है। वेल दोस्तों, आप भी जीतू गुप्ता के बेटे को श्रद्धांजलि दें और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।